बेटी को 10,000 का भिजवा दो। अरे पगली हो गई है, सेठों की बेटी होकर लेबर लॉ डिप्लोमा करने की धुन सवार है उस पर। सर मैं पैसे आते ही पे कर दूंगा सर। अरे बाबा जब तुम्हारे घर से पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना, राइट? मैं तो कहती हूँ राजा के बाबा, कृष्णा की शादी के जो जेवर रखे हैं उन्हें ही बेच देते हैं। हाँ बाबा। क्या हुआ नन्नू का? मशीन मार गया सेठ जी। क्या? अरे आप बैठिए सेठ जी, ऐसे हाथ से तो मिल में होते ही रहते हैं। अब दर्द में कुछ आराम आया? दर्द में आराम क्या है, बहुत गोलियां खाई हैं, लेकिन दर्द में आराम नहीं है। ये डॉक्टर लोग न जाने कैसी कैसी गोलियां दे देते हैं। तुम चिंता मत करो, दवा लेते रहो, दर्द में आराम आ जाएगा। एक दो दिन और देखते हैं, नहीं तो किसी वैद्य को दिखाएंगे। हाँ, मुझे तो राजा का गम खाया जा रहा है, उसकी फीस का क्या होगा? मुझे लगता है ये साल उसका बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी खबर उसे लगी तो वो वैसे ही वापस चला आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसको चिट्ठी भिजवा दूंगी कि यहाँ पर सब राजी खुशी है और तुम्हारी चोट के बारे में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है माया, जैसे तुम ठीक समझो ऐसे करो, लेकिन उसकी फीस का क्या होगा? मैंने कहा ना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल सेठ से जाकर खुद बात करूंगी, उसको जरूर हम पे रहम आ जाएगा। अब तुम सो जाओ आराम से। मेरा नाम चिं चिं चू चिं चिं चू चिं चिं चू बाबा चिं चिं चू, रात चांदनी मैं और तू। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। ऐसे रंजना तो है बहुत चला, पूछ क्यों? क्यों? अपने लेबर लॉ के एग्जाम के बाद मेरे क्या प्रोग्राम्स है, मेरी क्या प्लानिंग्स है, ये सब तो तुमने मुझसे पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में तुमने जरा भी बात नहीं बताई कि यहाँ से जाने के बाद तू अपने डैडी का मिल संभालेगी या लेबर को लॉस। देख भाई अंजना, अपना तो सीधा सा हिसाब है, ना तो मैं डैडी की मिल संभालूंगी और ना ही लेबर को लॉस सिखाऊंगी। मैं तो हमेशा सच्चाई का साथ दूंगी। और अंजना एक बात शुरू से ही मेरे दिमाग में घर किए हुए है, वो ये कि जब तक हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा देश साक्षर नहीं हो जाता, तब तक हम सुख समृद्धि की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाह वाह क्या बात है रंजना। देखना मिल मालिक हो या मिल मजदूर, दोनों का पढ़ा लिखा होना उतना ही जरूरी है जितना पति और पत्नी का। यदि दोनों में से एक पढ़ा लिखा ना हो तो तालमेल ठीक ही नहीं बैठता। अंजना मैं शुरू से एक बात सोचती आई हूँ कि यदि एक पुरुष पुरुष को पढ़ाता है तो सिर्फ एक पुरुष साक्षर हो पाता है, यदि एक महिला महिला को पढ़ाती है तो महिला का पूरा परिवार साक्षर हो जाता है। अंजना यहाँ से फ्री होने के बाद, एग्जाम वगैरह कंप्लीट करने के बाद, मैं सिर्फ महिलाओं को ही साक्षर बनाने का प्रयास करूंगी। मुझे पता है क्या लगता है रंजना, मुझे ये लगता है तू यहाँ से सीधी जाकर अपने इलाके में साक्षरता अभियान का ही आगाज करने वाली है। ठीक है ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल एग्जाम तो हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। रंजना रंजना देख, इतनी सारी बातें कर ली हम लोगों ने, एक बात और बता। मतलब की बात बता कि तेरा किसी के साथ कुछ चक्कर वक्कर चला कि नहीं? ए बताना बताना बताना, कुछ तो आइडिया देना कि वो कैसा है, क्या करता है, बताना यार, कम से कम मेरे जीवन में तो अपने होने वाले जीजा जी को देख लूं, बताना। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ तेरा होने वाला जीजा संसार का वो आदमी होगा जो
इस धरती के प्राणियों के बारे में सोचेगा? खाना खाकर तो पशु भी सो जाते हैं, लेकिन लेकिन हमें तो सोए हुए को जगाना है और सबको साक्षर बनाना है। ये हुई ना बात। अब हो गई है रात, बहुत कर ली है बात, छोड़ो हमारा साथ, चल चल कर सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अब इन्हें हम रहम की बीक तो तब दें जब हम इन्हें तनख्वाह ना दें। हर महीने हम इन्हें तनख्वाह देते हैं, इनके बच्चों का पेट पालते हैं, इनका पेट भरते हैं, अब इससे ज्यादा हम इन्हें क्या दे सकते हैं? क्या बात है मुनीम जी, सुबह सुबह किस पर गुस्से हो रहे हो? सब ठीक तो है ना? अब हुजूर ठीक क्या है, वो नन्नू के हाथ में चोट लग गई थी ना, तो हमने उसको दवा दारू के लिए पैसे भी दे दिए थे और छुट्टी भी दे दी थी। आज उसकी पत्नी फिर दरवाजे पे आ खड़ी हुई है और कहती है कि मुझे सेठ जी से मिलना है, मेरी झोली में रहम की भीख डाल दे। इसे मैं देखता हूं सेठ जी। अरे शक्ति, उससे से काम खराब हो जाएगा। इन अनपढ़ और जाहिल मजदूरों को प्यार से मारना सीखो। डैडी, मैं देखूं उसे? नहीं, इनका इलाज मैं जानता हूं। पिछले 30 सालों से इनसे ढोरों की तरह काम ले रहा हूं। पशु डंडे की भाषा जानता है, लेकिन ये अनपढ़ मजदूर प्यार की बोली से ही मर जाते हैं। इसलिए मुनीम जी, आप उसे बुला के लाइए, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है हुजूर। लेडी, अपने बेकार में लोगों को अपने सर पर चढ़ा कर रखा, अगर उसे चोट लग गई उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी तरफ से चाहे उस मशीन में अपना वो हाथ कटवा लेता, इसे हमें क्या लेना देना? बोलो माया, क्या बात है? हम गरीबों को आप ही का सहारा है सेठ जी, अगर आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी फरियाद किसे कहेंगे? जब तेरी नन्नू के साथ शादी नहीं हुई थी तब से वो मेरी मिल में काम कर रहा है, तब से लेके आज तक तुम लोगों को खाना मैं ही खिला रहा हूँ ना। तुम्हारे घर में कोई और तो नहीं राशन डाल के जाता? और तो और, उसने तुमको ये भी नहीं बताया होगा कि जब उसकी शादी होने वाली थी उसने मुझसे 500 तो उधार लिए थे जो आज तक वापस नहीं किए। मैंने मांगे कभी उससे? कभी कुछ कहा तुम लोगों को? इन सब बातों को हम कुछ नहीं जानते थे। मेरा मरण आज खटिया पर पड़ा है, मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है। अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम कट जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा सेठ जी। हुजूर, ये लोग आए दिन ऐसे ही बहाने बनाते हैं। नन्नू के हाथ में चोट लग जाने के कारण ये आपसे पैसे ऐंठना चाहती है? नहीं 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 सेठ जी, हम पैसे ऐंठना नहीं चाहते। हमें तो बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, इसी में आपका बहुत शुक्र है। मेरी विनती सुन लो सेठ जी, मेरी विनती सुन लो, मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद होने से बचाओ। इस माँ की आंखों में आंसू देखो, ये माँ झूठ नहीं बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। मुझे थोड़े से रुपए दे दो। बहुत होशियार औरत है सेठ जी, सच कहता हूँ, ये आपको कंगाल कर देना चाहती है। हाँ सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, गुड़ नहीं। कोई बात नहीं मुनीम जी, अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? नन्नू की तनख्वाह में से काट लेना, दे दो इसको 200 रुपए। माँ माँ माँ, खुश हो जाओ माँ, खुश हो जाओ। पता है आपको, भैया ने 400 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। सच? हाँ, और साथ ही लिखा है कि मेरे पेपर खत्म हो गए हैं और मैंने फीस भी भर दी है। हाँ, अब काम पर भी लग गए हैं। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली भगवान। माँ ये लो, भैया की पहली कमाई। हे भगवान,
राजा जैसा बेटा सबको दे भगवान। अब तो तू खुश है ना कृष्णा की माँ, अब तो अपना राजा बेटा काम पे भी लग गया। हाँ राजा के बाबा। सेठ जी ने पैसे दिए? हाँ, बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद ये 200 रुपए दिए। तू फिक्र मत कर, अब तुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपना राजा बेटा कमाने लग गया है, देखना कितनी धूमधाम से अपनी बहन कृष्णा का ब्याह करेगा। कृष्णा की माँ। अरे मौसी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठो। अरे सुना है राजा ने मनी ऑर्डर भेजा है। हाँ। अरे बहना, आप तो इस घर में दो दो कमाने वाले हो गए हैं, एक कृष्णा के बाबा एक कृष्णा का भाई। मन्नू भाई, अब तो दर्द में आराम होगा? नहीं बहना, दर्द में तो कोई आराम नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे माँ तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। कृष्णा की माँ कह रही थी कल वैद्य जी के पास जाएगी। हाँ, रमली के बाबा का पैर भी तो वैद्य जी ने ही ठीक किया था। सुना तो है वैद्य जी की दवाई लगती बहुत है। वैद्य जी सुना है पैसे बहुत लेते हैं। अरे पैसों का क्या है बहन जी, इनके लिए तो घर बार भी बिक जाए तब भी कोई बात नहीं है। वैद्य जी अभी तो सिर्फ 10 रुपए, बाकी के कल दे दूंगी। कल दे देना, मैं उधार का काम नहीं करता हूँ। ठीक है। चलो आओ आओ बैठो। हाँ वैद्य जी, कई दिन हो गए इनका हाथ मशीन में आ गया था, अभी तक दर्द ही नहीं जा रहा है। अरे ये क्या मान रखा है, खोलो इसे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे वैद्य जी, मारे दर्द के तो जान निकली जा रही है। ये जख्म तो मामूली सा है। ओ, भाई लगता है इसकी नसें बैठ गई, इसका लगातार इलाज करना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी, अच्छी तरह से इलाज करना। कितने दिन लगेंगे वैद्य जी? देखो उससे इलाज कराना है तो दिनों का मत पूछो, मैं लगकर इलाज करता हूँ। अब बोलो करवाना है या नहीं? हाँ हाँ करवाना है वैद्य जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चले। जी वैद्य जी। या तो दर्दनाशक तेल जरा ला, मैं मालिश करता हूँ और तू ये दवाई पीस कर 4 पुड़िया बना दे। हाँ बहुत दर्द है। अरे भाई ओ, 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 धीरे धीरे वैद्य जी। अरे भाई ये सब कैसे हो गया? क्या करूं वैद्य जी, किस्मत बुरी थी, हाथ मशीन में आ गया। ओहो ये कोई उम्र है मशीन चलाने की, अब तो तुम्हें घर बैठ के आराम करना चाहिए। आराम तो किस्मत वालों को मिलता है, पिछले 30 साल से मिल में काम कर रहा हूँ वैद्य जी, अब देखिए इसकी वजह से काम बंद हुआ तो दर्द पीछा नहीं छोड़ता। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो, रोज मुझसे मालिश करवाते रहो, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, समझे? अरे चले। जी वैद्य जी। ला तो जरा पुड़िया। लो ये 4 पुड़िया है, सुबह शाम पानी के साथ इन्हें खिलाते रहना। कितने पैसे हुए? 40 रुपए। माँ मेरे पास तो बस 50 का नोट है। अरे 50 का ही दे दे बेटी, 10 अगली बार कटवा लेना। भेजे हुए पैसे हमें मिल गए हैं बेटा, बाकी सब कुशलता से हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपना ख्याल रखना। प्यार सहित तुम्हारी माँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे भवानी आओ ना प्लीज, प्लीज कम। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बैठो। सॉरी 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 सॉरी। हाँ अब बताओ क्या बात है। मैं क्या बताऊँ, बताओ तो तुम, कितने खुश नजर आ रहे हो तुम। और ये लेटर किसका है? ये लेटर घर से आया है। भवानी तुम्हारी वजह से ट्यूशन्स द्वारा जो मैंने पैसे कमा कर घर भेजे थे वो नहीं मिल गए हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। भवानी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सचमुच देवी हो।
देवी। देवता तो तुम्हें मेरे घर वाले मान रहे हैं राजा, बच्चे भैया भाभी सभी तो, न जाने तुमने उन पर कैसा जादू कर दिया है, और बच्चे तो पढ़ाई के अलावा कोई और बात ही नहीं करते। भवानी जानती हो, ये ज्ञान, ये पढ़ाई, ये खजाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं चाहता हूं कि यह खजाना मेरे देश का हर बच्चा लूटे, क्योंकि यह खजाना जितना लुटाओ उतना बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा बूढ़ा हर इंसान पढ़ा लिखा हो, ताकि ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है राजा कि हमारी भारत सरकार ने साक्षरता मिशन का जो आगाज कर रखा है ना, उसको सरंजाम तुम ही दोगे। भवानी चाहता तो मैं भी है। बैठी बैठी प्लीज सिट डाउन। देखिए बहन जी, मैंने आपके पति का चेकअप कर लिया है और एक्सरे की रिपोर्ट जो बताती है कि हमें उनके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तक आपने हकीमों को, ओझाओं को और बाबाओं को दिखाया है और किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज नहीं कराया। मुझे तो आपके एक मजदूर साथी से ये पता चला है कि आपके मिल में ESI की व्यवस्था भी नहीं है। गरीबी और कम पढ़ा लिखा होने की वजह से इनको टेटनस का इंजेक्शन तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर इनके जहर फैलता गया और अब हमें ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हमें डर है कि कहीं हमें इनका हाथ ना काटना पड़ जाए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। लेकिन इसके लिए कम से कम 25,000 रुपये का खर्चा है। ये मेरी पति की जिंदगी का सवाल है, आप हम पर तरस खाइए डॉक्टर साहब। देखिए बहन जी, आपको ये खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं सकता। आपके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है, आप सोच लीजिए। आप बताएं कैसे इंतजाम होगा। भाभी जी से बात करते हैं। क्या हुआ भैया? भाभी जी, हमारी लाख मिन्नतें करने पर भी सेठ करोड़ी मल्ले नन्नू के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक देने के लिए ना कर दिया है। मुनिमी ने साफ कह दिया है कि 30 सालों से नन्नू का नाम कच्चे रजिस्टर में लिख रखा है, जिसका भुगतान झाड़ी के हिसाब से होता रहा है। बहन जी, हम तो नन्नू भैया का अपना सब कुछ मानते हैं, तो जैसा कहते हम वैसा करते हैं, उनकी हर बात अपने सर माथे पर रखते हैं। अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो सरासर अन्याय है। भगवान ना करे कल हमारे साथ ऐसा हो तो हम कहां जाएंगे। भाभी जी, अब क्या होगा, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, अब नन्नू का ऑपरेशन कैसे होगा। आपने और बाबा ने मेरी शादी के लिए जो गहने बनवा कर रखे हैं ना, उन्हें बेचकर बाबा का ऑपरेशन करा लो, गहने तो फिर बन जाएंगे। नहीं बेटी नहीं, ये गहने तेरे पापा ने तेरे लिए बहुत चाव से बनवाए थे, अगर ये गहने बिके तो उनका दिल टूट जाएगा बेटी। देखो माँ, बाबा का हाथ ठीक हो गया तो गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ना रहा तो हम ये गहने रख कर क्या करेंगे। माँ तू ठीक कहती है बेटी, ऐसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। बहन, अपनी बेटी के जेवर गिरवी रखकर तुमने जो ये कुर्बानी नन्नू भैया के लिए दी है ना, इसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी किस्मत अपने ही हाथों से बनाता है, बस एक बार नन्नू भैया का हार्ट ठीक हो जाए ये कहावत भी सच हो जाएगी। अरे
बेड़ा घर को ऐसे सेठ और मुनीम का, जिन्होंने सारी उम्र की मेहनत का हमें ये फल दिया। अरे 10-20 हजार रुपए अगर वो दे देते तो क्या बिगड़ जाता उनका। पापा को बहुत देर लग रही है ना, इतनी देर क्यों लग रही है माँ? ऑपरेशन होते ही तेरे बाबा बाहर निकल आएंगे। बाबा का हाथ ठीक हो जाएगा ना माँ? बेटी, इसीलिए तो जेवर गिरवी रखे। जेवर तो बाद में ही बन जाएंगे बेटी चाचा, पर भगवान से प्रार्थना करो हमारी नन्ही चाचा का हाथ ठीक हो जाए। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी हो गई बहन जी, हमारी लाख कोशिश के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे। जहर पूरे बाजू में फैल गया था, मजबूरन हमें उनका हाथ काटना पड़ा। ओहो, आए नहीं अभी तक? आते ही होंगे भाई। मम्मी, मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तुम मीठा मुंह करो, क्योंकि तुम बीए में फर्स्ट आए हो ना। बहुत थैंक यू आंटी। अबे ये बेटा, तुम सेकंड आने की खुशी में। बेटे तुम्हारे मम्मी पापा कितने खुश होंगे जब वो ये सुनेंगे कि हमारा बेटा बीए में फर्स्ट आया है। अरे आंटी खुश होंगे, वो तो सारी बस्ती में शोर मचा देगी, हमारा बेटा फर्स्ट आया है, हमारा बेटा फर्स्ट आया है, हमारा बेटा फर्स्ट आया। बस बेटा, अब तो तुम कोई अच्छी से नौकरी ढूंढकर अपने माँ बाप को इतना सुख देना कि वो अपने सारे दुख भूल जाए। हाँ अंकल, मैं अपने माँ बाप को इतना सुख दूंगा कि वो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। मैं आज ही गांव जाकर माँ बाबा और कृष्णा को चुका दूंगा। अंकल ये लो बेटा, ये मिठाई का डिब्बा हमारी तरफ से मम्मी पापा को देना। हाँ अंकल। डैडी, आप राजा को नहीं जानते, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने जो अभी अभी कहा ना कि राजा अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, ये नौकरी ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन एक काम ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, बच्चों को पढ़ाना। आप नहीं जानते डैडी, राजा ने जिन जिन बच्चों को ट्यूशंस दी है ना, सबके सब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। मेरा दिल कहता है राजा का साक्षरता के प्रति जो रुझान है, उसकी वजह से एक दिन राजा अपने लेवल पे साक्षरता अभियान का आगाज जरूर शुरू करेगा। फिर ये अपने मिशन में मुझे शामिल करे या ना करे, लेकिन मैं तो इसे खोज ही निकालूंगी। कैसी बातें करते हैं आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, मैं भला आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। मैं आप सब लोगों को याद रखूंगा। चलता हूँ अंकल। राजा बेटा तुम? अरे कल्लू चाचा, छोटू चाचा, पाए लागो। बेटा, तुमने अपने आने की किसी को खबर ही नहीं दी। चाचा, मैं माँ बाबा को जाकर चौंका दूंगा। बाबा, बाबा देखिए मैं आपके लिए शहर से क्या लेके। बाबा जी, ये क्या हो गया बाबा?
बाबा ये क्या होगा, ये कैसे होगा बाबा, क्या होगा? हम बर्बाद हो गए बेटा, हम लुट गए बेटा, बर्बाद हो गए। तेरे बाबा का हाथ कट गया बेटा, बाबा का हाथ मशीन में आ गया भैया। ठीक से इलाज ना होने के कारण सारा जहर पूरी बाजू में फैल गया। डॉक्टर ने कहा अगर हाथ नहीं काटेंगे तो जहर सारे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर ने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरे पापा की जान बच गई बेटा। ये सब कहाँ करवाया माँ? शहर के अस्पताल में बाबा के मिल के सर ने एक पैसा भी नहीं दिया भैया, और उल्टा कहा कि उसका पैसा हमारी तरफ निकलता है बेटा। जो गहनी कृष्णा के शादी के लिए बनाए थे वो तुम्हारी माँ ने गिरवी रखकर मेरा ऑपरेशन करवाया, और तो ऐसे बुरे वक्त पर कृष्णा के ससुराल वाले उसका रिश्ता तोड़ के चले गए।